2021 में होने जा रही सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। बोर्ड परीक्षा 4 मई 2021 से कक्षा 10वीं और 12वीं की शुरू होगी। शेड्यूल के मुताबिक 10 जून 2021 तक सीबीएसई बोर्ड के सभी पेपर्स की परीक्षाएं पूरी कर ली जाएगी। सीबीएसई ने अपने आधिकारिक वेबसाइट cbse.government.in पर बोर्ड एग्जाम 2021 डेटशीट जारी कर दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह डेटशीट जारी की है। 4 मई से सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा का शेड्यूल आपको बता देते हैं। 4 मई को इंग्लिश की परीक्षा होगी। 5 मई को पहली सीटिंग टैक्सेशन, 6 मई दूसरी सीटिंग फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, 8 मई पहली सीटिंग फिजिकल एजुकेशन, 12 मई बिजनेस स्टडीज, 13 मई को फिजिक्स, 17 मई अकाउंटेंसी, 18 मई केमिस्ट्री, 19 मई पॉलिटिकल साइंस। वहीं 10वीं की भी डेट शीट का शेड्यूल बताते हैं। 4 मई से 7 जून तक 10वीं बोर्ड की परीक्षा होगी। 6 मई इंग्लिश, 10 मई हिंदी कोर्स का पेपर, 15 मई साइंस, 20 मई होम साइंस पेपर और 21 मई गणित, 27 मई सोशल साइंस और 29 मई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एग्जाम होगा। 2 जून संस्कृत और 7 जून को कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर होगा। और मुझे कहते हुए खुशी है कि आज ये डेट शीट आपको मिल रही है और इसमें बहुत कोशिश की गई है कि आपकी विषयों के बीच जो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं उनके बीच समय को थोड़ा सा अंतर हो ताकि आपको तैयारी करने के लिए अच्छा मौका मिल सके और आप तनाव मुक्त रहें। बहुत मस्ती के साथ तैयारी करिए। आपकी परीक्षाएं अब 4 मई से शुरू होनी है। पहले भी आपको इतना पर्याप्त समय दिया है, अब धीरे धीरे करके कोरोना का जो ये संकट है इससे मुक्ति मिल रही है।